हेलो माय डियर ब्रदर्स, आज का डिस्कशन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही लंबा भी है। इसीलिए आज हम पार्ट वन में ब्रायनिया केस का डिस्कशन करेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे, उसके सारे रूब्रिक्स को वन बाय वन समझेंगे। आज हम ये भी समझेंगे कि ब्रायनिया को क्यों बिजनेस माइंडेड पर्सन कहा जाता है, क्यों ब्रायनिया की सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई होती है। आज हम इसे भी माइंड लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। ब्रायनिया के सेकंड पार्ट में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक बार ब्रायनिया के केस को डिस्कस करेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे, उसके सारे रूब्रिक्स को वन बाय वन समझेंगे, और साथ में हम फियर ऑफ पेन और फियर ऑफ सफरिंग में डीडी करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो नंबर 13 में लाइकोपोडियम के पाइल्स केस में फियर ऑफ पेन को एक्सप्लेन किया था, और हम इस पार्ट वन में फियर ऑफ सफरिंग को एक्सप्लेन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मतलब वीडियो नंबर 15 में फियर ऑफ सफरिंग और फियर ऑफ पेन के बीच डीडी करेंगे, जिससे हम अपने क्लिनिक में कंफ्यूज्ड न हो, क्योंकि एक गलत रूब्रिक सारे केस को स्पॉइल कर सकता है। और साथ में हम सेकेंड पार्ट में फियर ऑफ सफरिंग चूजेज द लेसर इविल को डीपली समझेंगे, क्योंकि इस एक रूब्रिक का वैल्यू 10 रूब्रिक के बराबर है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह रूब्रिक केवल डॉक्टर सहगल की बुक्स ROH सीरीज में ही है, किसी रेपर्टरी में नहीं है। ब्रायनिया पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर बहुत सावधानी बरतता है, बहुत ध्यान रखता है, और अपने बिजनेस को लेकर चिंतित रहता है। हम इसे बिजनेस माइंडेड पर्सन भी कहते हैं, क्योंकि इसे हर तरफ बिजनेस ही दिखाई देता है, धंधा दिखाई देता है। ब्रायनिया अपनी बीमारी के दौरान किस तरह आता है, क्या कहता है, किस तरह बिहेव करता है, और इसे किस चीज़ की ज़्यादा चिंता होती है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द केस। मेल पेशेंट एज 40 ईयर्स अप्रोक्स, सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल कॉम्प्लेन। पेशेंट कहता है कि सर पेट में बहुत गैस बनती है, खाना भी ठीक से नहीं पचता है, बहुत संभल कर खाता हूँ मैं। मैंने पूछा, संभल कर खाता हूँ मतलब? पेशेंट ने कहा कि सर मेरा पेट बहुत कमज़ोर है, संभल कर नहीं खाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने पूछा, क्या दिक्कत होती है? पेशेंट ने कहा, पेट में गैस एसिडिटी बनना चालू हो जाती है, खाना भी ठीक से नहीं पचता है, और टॉयलेट भी बार बार जाना पड़ता है, इसलिए मैं बहुत संभल कर खाता पीता हूँ। सर आप भी मुझे कोई हार्ड मेडिसिन मत देना जिससे कोई तकलीफ हो जाए। अब हम लोग पेशेंट की बातों का एनालिसिस करते हैं और उसे रूब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। डिल्यूजन, पुअर ही इज, केयरफुल, फियर ऑफ सफरिंग, एंग्जाइटी, हेल्थ अबाउट, एंड हियर वी कैन एड वन मोर रूब्रिक, बार्गेनिंग, विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन लास्ट वीडियो एंड वी शैल डिस्कस हियर आल्सो। देर इज ओनली वन मेडिसिन कम्स आउट इन रेपर्टराइजेशन एंड इट इज ब्रायनिया। वेन वी रेपर्टराइज थ्री रूब्रिक्स एक्सेप्ट हेल्थ, except anxiety about health, there are two medicines comes out. One is bryonia and second is tramonium. Here bryonia is anxious about health, whereas tramonium is not. I want to draw your attention that in repertory the rubric anxiety about health, a lots of medicines there are. Tramonium is absent there. It means
stramonium does not consider his health up to the level of anxiety. Stramonium अपने हेल्थ को लेकर उतना ज़्यादा चिंतित नहीं रहता है कि एंग्जाइटी तक पहुँच जाए, परंतु ब्रायोनिया पहुँच जाता है. नाउ लेट अस एक्सप्लेन द रूब्रिक वन बाय वन. नंबर वन, डिल्यूजन पुअर ही इज. पुअर मीन्स लैक ऑफ समथिंग, अर्थात किसी चीज़ की कमी है, और यह कमी किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे मनी, नॉलेज, साउंड क्वालिटी. जैसा कि मेरा वीडियो साउंड क्वालिटी को लेकर पुअर है. बहुत बार पेशेंट कहता है कि पहले सब कुछ ठीक था, परंतु जब से पाँव में तकलीफ हुई है तब से चलने की इतनी क्षमता नहीं बची है, अर्थात मैं उतना ज़्यादा अब नहीं चल पाता हूँ, पुअर हूँ. पहले सब कुछ अच्छा था, पर जब से पेट में तकलीफ हुई है तब से दो रोटी मुश्किल से खा पाता हूँ, ज़्यादा नहीं खा पाता हूँ, अर्थात पुअर हूँ. बहुत बार पेशेंट वेल्थ की कंपैरिजन करता है और अपने आप को पुअर बताता है, या अपने सिस्टम को या अपने ऑर्गन को पुअर बताता है, जैसे कि मैं पहले इतना ज़्यादा खा लेता था, अभी दो रोटी मुश्किल से खा पाता हूँ, अर्थात पुअर हूँ. पहले मैं 5 मंजिला मकान चढ़ जाता था, अभी 1 मंजिला मकान चढ़ने में मुझे बहुत मुश्किल होती है, अर्थात मैं पुअर हूँ. इस केस में पेशेंट अपने डाइजेशन को पुअर समझ रहा है, कमज़ोर बता रहा है. डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग ऑफ पुअरनेस इन देयर ओन लैंग्वेज, एंड आई जस्ट रिपीट, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट and not the disease. So recognize the patient. The next rubric, careful. It means the trait of being cautious, being attentive to possible danger. अर्थात किसी काम को करते समय सावधानी बरतना, ध्यान रखना. यहाँ पर patient खाने पीने को लेकर बहुत ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतता है. यहाँ तक कि डॉक्टर से दवा लेते वक्त भी कहता है कि सर आप मुझे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मत देना. नेक्स्ट रूब्रिक, फियर ऑफ सफरिंग. हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सफरिंग. सफरिंग मीन्स अ स्टेट ऑफ अंडरगोइंग डिस्ट्रेस और पेन, तकलीफ होना या दिक्कत होना. अर्थात पेशेंट में तकलीफ़ वाली अवस्था का, दिक्कत वाली अवस्था का डर मन में बैठा रहता है. यहाँ पर पेशेंट कहता है कि संभल कर नहीं खाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी. डॉक्टर से भी कहता है कि आप ऐसी दवाई मत देना जिससे मुझे तकलीफ़ हो. यहाँ पर केयरफुल और फियर ऑफ सफरिंग दोनों रूब्रिक एक साथ लिंक बनाकर चल रहे हैं. द नेक्स्ट रूब्रिक, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ. हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ वेल बींग. यहाँ पर पेशेंट को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के वेल बींग की ज़्यादा चिंता है, पेट की ज़्यादा चिंता है. नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई ब्रायोनिया इज कॉल्ड अ बिजनेस माइंडेड पर्सन. देयर आर अ लॉट्स ऑफ रूब्रिक्स, बट हियर वी शैल कंसिडर सिंपली 3 रूब्रिक्स. Anxiety about money matter, anxiety compelled to do something, anxiety about business. अर्थात ब्रायनिया को पैसे की, धन संपत्ति की ज़्यादा चिंता होती है, जिसके कारण वह कुछ न कुछ ऐसा काम करने को compelled हो जाता है, मजबूर हो जाता है, जिससे उसे कुछ इनकम हो. क्योंकि काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा और उसकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी. द रूब्रिक इज फियर ऑफ सफरिंग, अर्थात पैसे ज़्यादा कम हो जाएंगे. द रूब्रिक इज फियर ऑफ पॉवर्टी. द रूब्रिक इज फियर ऑफ स्टार्विंग. इसीलिए इन सब तकलीफ़ों से बचने के लिए ब्रायनिया को काम करना ही पड़ता है, और पैसे ज़्यादा खर्च न हो
इसका भी वह बहुत ध्यान रखता है, अर्थात वह कंजूस बन जाता है। द रूब्रिक इज अवेराइस, अपनी जरूरत से ज़्यादा दूसरी चीज़ों का, पैसों का, धन संपत्ति का संग्रह करता है, कलेक्शन करता है और ज़्यादा हासिल करने की इच्छा रखता है। द रूब्रिक इज डिज़ायर मोर देन सी नीड। अब आप ही मुझे बताएं कि ब्रायोनिया की म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई नहीं होगी तो क्या होगी, उसका बिहेवियर ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि उसे धन संपत्ति पैसा ज़्यादा चाहिए और खर्च उसे करना नहीं है, कंजूस है। इसके अलावा ना उसे अपने बच्चों की चिंता है, ना परिवार की, ना दूसरों की चिंता है। उसे चिंता है तो स्वयं की, खुद की चिंता वह करता है। इससे भी आगे क्या होता है कि ब्रायोनिया किसी का ध्यान नहीं रखता है, किसी की केयर नहीं करता है, ना अपने बच्चों की, ना अपने फैमिली की, ना अपने रिश्तेदारों की, ना अन्य लोगों की। केयर करता है तो खुद की, पैसों के लिए। कोई भी व्यक्ति जो ब्रायोनिया से पहली बार मिल चुका है और दूसरी बार मिलने जाता है तो उसे मन में होता है कि इस व्यक्ति के बिहेवियर में रस नहीं है, ड्राइनेस है। और जब यही ड्राइनेस पेट से होती हुई बाहर निकलती है तो स्टूल हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है और अंत में कंस्टिपेशन हो जाता है। ब्रायोनिया के इस ड्राइनेस को अब हम लोग रेपर्टरी की भाषा में समझेंगे, रूब्रिक की भाषा में डिस्कस करेंगे। व्हाई ब्रायोनिया इज सो ड्राई, द रूब्रिक्स आर एंग्जाइटी अबाउट मनी मैटर, अवेराइस, डिजायर मोर देन सी नीड्स, एंग्जाइटी अबाउट बिजनेस, टॉकिंग ऑफ बिजनेस। इन आवर बिग रेपर्टरी देर आर मैनी रूब्रिक्स वेयर ब्रायोनिया इज टोटली अब्सेंट, जैसे कि ब्रायोनिया नहीं है इन रूब्रिक्स में, जिससे उसका बिहेवियर और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। एंग्जाइटी अबाउट चिल्ड्रेन में नहीं है, एंग्जाइटी अबाउट फैमिली में नहीं है, एंग्जाइटी अबाउट अदर्स में नहीं है, अर्थात इसे इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं है और केयर्स फॉर फैमिली में नहीं है, केयर्स फॉर अदर्स में नहीं है, ना इसे किसी की परवाह है, ना यह इन लोगों का ध्यान रखता है। तो यह ध्यान किसका रखता है, स्वयं का, अपने धंधे का, अपने इनकमिंग का, अपने कलेक्शन का। तो अब यह सवाल उठता है कि वह समाज में कैसे रहता है, वह किस तरह दूसरों से संबंध रखता है। तो इसका मुख्य कारण है इसका धंधा, और इसी धंधे के कारण वह लोगों के सामने विनम्र बन जाता है, अच्छे से बात करता है। द रूब्रिक इज ह्यूमिलिटी, इट मीन्स हम्बलनेस, विनम्रता। जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो सेठ कहता है, सर आइए, सर आइए, क्या लेंगे आप, पर उसके पीछे छिपा होता है उसका धंधा, दिखाता है ह्यूमिलिटी। जब ब्रायोनिया बीमार पड़ता है, पैसा खर्च होता है, तब उसके दिल पर छुरी चलती है, चाकू चलता है। वह डॉक्टर से कहता भी है कि सर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, पहले डॉक्टर के पास में बहुत पैसा खर्च हुआ, लेबोरेटरी टेस्ट में भी बहुत सारे पैसे चले गए और अभी भी पैसा तो खर्च हो ही रहा है और बीमारी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है। द रूब्रिक इज डिलूजन इज बींग इंजर्ड एंड टॉकिंग ऑफ बिजनेस। डिलूजन इज बींग इंजर्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक एंड वी शैल डिस्कस इन आवर कमिंग वीडियोज। हेलो ब्रदर्स, आई एम विथ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ होम्योपैथी एंड आई एम डॉक्टर मुकेश गांगानी। माई डियर डॉक्टर्स, आज से हम एक नया सेक्शन चालू करेंगे और उसका नाम मैंने दिया है ब्रीफ केस, अर्थात ऊपर पेशेंट ने जो जो कहा हम उसे एक जगह एकत्र करेंगे, उसकी स्पीच को एक जगह रखेंगे, जिससे हम
आसानी से उसे समझ सके, एक बार में रिवीजन हो सके और ने क्लिनिक में रेडी टू यूज हो सके, यह बिगनर्स के लिए बहुत काम का है, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि अपने क्लिनिक में हमें अपने पेशेंट के सामने एग्जाम देना है और पास होना है अपने इनकम के लिए, पेशेंट की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए। प्रायः पेशेंट कहता है कि सर पेट में गैस बहुत बनती है, खाना भी ठीक से नहीं पचता है, मेरा पेट बहुत कमज़ोर है, मैं संभल कर खाता हूँ नहीं तो मुझे दिक्कत होने लगती है, पेट में गैस एसिडिटी बनना चालू हो जाती है और टॉयलेट भी अच्छा से नहीं होता है, मुझे बार बार भी जाना पड़ता है, मेरा पेट बहुत कमज़ोर है, सर आप भी कोई हार्ड दवा मत देना जिसे मुझे तकलीफ़ हो जाए। ओके ब्रदर्स, सी यू वेरी सून एंड वी शैल कंटिन्यू दिस ब्रायनिया लेक्चर इन आवर पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।